आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। बहुत बढ़िया वैल्यू बाय है लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए और पॉजिटिव टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाया है। पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको पंजाब नेशनल बैंक में लॉन्ग टर्म के। सिंपल सलाह, बाय कीजिए और होल्ड रखिए। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनके आपके लिए लेके आए हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। देखिए, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इनके, वो काफी रीजनेबल लेवल पर है कंपेयर टू अदर बैंक्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें तो उनके बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, यस बैंक के ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, यहां पर सिंगल डिजिट में है, जो कि एक रीजनेबल है। कोविड का इंपैक्ट बैंक्स पर बहुत ज्यादा पड़ा है, लोग बाग लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब्स की दिक्कत हो रही है। तो इस सब के चलते हुए यहां पर जीएनपीए आरबीआई ने बताया था कि ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में और भी खराब हो सकते हैं। और देखिए, इनके रिलेटिवली बेटर होने की वजह से यहां पर एक अच्छा पॉजिटिव पुश आया है और साथ ही साथ में लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इनके पास में, जो कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ रिवेन्यू देगा। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, वो आप और हम जैसे लोगों से 3% 4% पर पैसा लेते हैं और वही पैसा वो 8-9% पर हाउस लोन के लिए या फिर कॉर्पोरेट लोन के लिए देते हैं। तो ये सारा का सारा उनका जो डिफरेंस होता है वो उनके लिए प्रॉफिट के काम करता है। अगर आप एलकेबी सिक्योरिटी की बात करें तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को ₹50 के टारगेट के साथ बाय रेटिंग दी है और उसका रेशनल जीएनपीए का ही बताया है कि 6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है इनका और एनएनपीए जो है 38,000 करोड़ के आसपास इनका है करंटली। टेक्निकल व्यू के रेफरेंस में ये स्टॉक यहां से पॉजिटिव टेक्निकल ब्रेकआउट दे और बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार है। आइए चलकर जरा टेक्निकल व्यू देखते हैं। तो आज का भाव अगर देखें, कल बंद हुआ था ₹41 के आसपास, अभी चल रहा है ₹42.70। यहां पर 3.5% का छलांग लगाई है आज स्टॉक ने। और देखिए, अगर हम इसका पैटर्न देखें आपको, तो आपको ये चीजें टेक्निकली समझनी है ताकि आगे आप ये चीजें खुद से अपना एनालिसिस कर सके। सबसे पहली अगर हम बात करें इसमें, तो चैनल जो बन रहा था इसका, फॉलिंग चैनल को ब्रेकआउट दिया है और यहां से इनफैक्ट इसने अपवर्ड राइजिंग चैनल पे शुरुआत की है, तो जो स्टॉक के लिए एक बहुत बढ़िया पेशकश होगी यहां से ऊपर जाने के लिए। देखिए, ये एक अपवर्ड राइजिंग चैनल बना है, नए हायर लोज हायर हाइज बना रहा है। एक बार अगर इसने 46 का लेवल तोड़ा तो फिर ये सीधे 65 तक जाएगा दोस्तों, बहुत ऊंची छलांग लगाएगा सीधे एकदम। तो तैयार रहिए, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बुलियंजर बैंड का मुंह छोटा होता जा रहा है और बैंडविड्थ जो है 8% की रह गई है सिर्फ, तो इसका मतलब है यहां से बैंडविड्थ और ऊपर बढ़ने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और ये कंसोलिडेशन के बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। एक बार ₹43.50 इसने ब्रेक किया तो यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। RSI 57 यहां से अभी ओवरबोर्ड जोन नहीं है तो ऊपर जाने की काफी गुंजाइश है और सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 38 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको बाय कर सकते हैं यहां पर। अगर आप वोटेक्स इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो वोटेक्स इंडेक्स ने देखिए यहां पर एक छोटा सा सेल सिग्नल दिया था पर सेल का मोमेंटम खत्म होता जा रहा है तो अब लग रहा है कि ये फिर से बाय जोन में आ जाएगा। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट के रेफरेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर आज बहुत शानदार ब्रेकआउट दिखाया है, तीनों कैंडल के ऊपर है, ₹41.65 के आसपास सबसे ऊपर वाली कैंडल है और ये ₹42.75 के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है इस स्टॉक का यहां पर। अगर आज वॉल्यूम भी देखें तो काफी तगड़ा वॉल्यूम बना है इसमें, 16 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, तो ये बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। टेक्निकल व्यू के रेफरेंस में और वॉल्यूम जो बढ़ रहा है जिसके चलते हुए ये स्टॉक एक पॉजिटिव टेक्निकल ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे रहा है, आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। अब देखिए, जो पीएनबी का आपको पता ही है हाउसिंग फाइनेंस की जो होल्डिंग है उसमें प्रमोटर जो है पीएनबी चाह रहे हैं कि वो अपनी कंट्रोलिंग स्टेक रखें, इसके चलते हुए जो उनका शेयर का प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे बहुत बढ़िया रहेगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर प्राइस देखिए 375 से 750 के आसपास तक पहुंच गया था, अब प्रमोटर इसको नहीं बेचना चाहते अपने हिस्से को, इसलिए ये यहां पर 32% की बजाय इसको चाह रहे हैं कि 51% हो जाए। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में एकदम तूफान आएगा और ये स्टॉक काफी ऊपर जाएगा। वैल्यूएशन की दृष्टि से ये फेयर वैल्यू के लोअर रेंज में है, आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 2 महीने का रिटर्न 81% है, आप चाहें तो हमारी पेड सर्विस यूज कर सकते हैं। ये रहे चार वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।